हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एमसीक्यू है अपना, करेक्ट पोजीशन ऑफ इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए आपका करेक्ट पोजिशन क्या होना चाहिए। सुपाइन विथ नेक फ्लेक्स्ड, सुपाइन विथ नेक एक्सटेंडेड, सिटिंग विथ नेक फ्लेक्स्ड या फिर सिटिंग विथ नेक एक्सटेंडेड, क्या रहेगा आपका आंसर? नेजोगेस्टिक ट्यूब्स या इसके टाइप्स में से या इसके फंक्शंस में से आपको एक एमसीक्यू पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको चाहे प्री में देखने को मिले चाहे मेंस में देखने को मिले। तो सबको आंसर पता होगा इस एमसीक्यू का, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एमसीक्यू गलत होगा। तो देखो, नेजोगेस्टिक ट्यूब आपके किस काम आती है और उसकी क्या पोजिशनिंग होती है, बेसिक सा एमसीक्यू है मगर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेशेंट को पोजीशन क्या देंगे, सीटिंग पोजीशन या फिर हाई फॉलर भी यहाँ पे आ सकता है। और नेक को कैसे रखेंगे, अपन फ्लेक्स रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम नेक को जब फ्लेक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस क्या कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेजोगेस्टिक जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में जाने से प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। दूसरा यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि इसकी मेजरमेंट कैसे करते हो। तो मेजरमेंट करने के लिए दो टाइप के रूल होते हैं, एक होता है एडल्ट में, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, नेक्स रूल। इसमें अपन क्या मेजर करते हैं, सबसे पहले टिप ऑफ द नोज से लेके कहां पर ईयर लोब तक, उसके बाद में जीपी स्टर्नम, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, नेक्स रूल। दूसरा लगता है चिल्ड्रंस में या फिर आप कह सकते हो पीडिया में। ठीक है, ऐसे तो सबका कॉमन ही होता है, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब से लेके जीपी स्टर्नम के 1 to 2 सेंटीमीटर तक बिलो रखते हैं, मगर एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स रूल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमू रूल। तो नेमू रूल का क्या मतलब होता है, नेमू का मतलब सेम नोज, ई से क्या आ जाएगा आपका ईयर, एंड एम यू का क्या मतलब आ जाएगा, मिड, मिड पॉइंट ऑफ द अम्बिलिकस या फिर इसे हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम टू अम्बिलिकस। इसके अंदर काम में आता है ये चिल्ड्रंस और पीडियाट्रिक एज के अंदर होता है, वहां पे आपको सिंपल सा अगर पूछे कि नेजोगेस्टिक ट्यूब को आपको मेजर करना है, इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, टिप ऑफ द पेशेंट नोज, उसके बाद में लूप अराउंड द ईयर, ईयर का जो आपका जो नीचे का लूप रहता है वहां तक, उसके बाद में 1 to 2 इंच बिलो जीपी स्टर्नम। ठीक है, बेसिकली यही रहता है अपना, और इन दोनों रूल के बारे में सेपरेट पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए। पोजिशन की बात हो गई और रूल्स की बात होगी, मेजरमेंट की बात होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है ट्यूब का डायरेक्शन को लेके, कि हमेशा आपको ट्यूब का डायरेक्शन किस वे में रखना होता है, फॉरवर्ड या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, किस प्रकार का डायरेक्शन रखना होता है। तो देखो, डायरेक्शन का एमसीक्यू आए तो ये आएगा बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। आपने ट्यूब को इंसर्ट कर दी, इंसर्ट करने के बाद में इसको फिक्स कहाँ करना है, यह भी एमसीक्यू बनता है। जैसे ईटी ट्यूब का फिक्स करने का एमसीक्यू बनता है, टिप ऑफ द आप लिप कॉर्नर ऑफ द लिप्स पे आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब को फिक्स करना होता है, तो वैसा ही इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए कहाँ पे करोगे आप, फिक्स इट विथ टैप ऑन नोज, टैप ऑन नोज, नोज पे इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। कंफर्म्ड मेथड का पूछे आपको तो वो क्या है, एब्डोमिनल एक्सरे। कंफर्म मेथड का पूछा आपसे तो एब्डोमिनल एक्सरे,
बाकी तो जैसे पांच छह प्रकार से और अपन कर सकते हैं, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कर सकते हैं, एयर वाटर बबल्स को अपन हियर कर सकते हैं, ठीक है, वूश साउंड को अपन वूश टेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और टेस्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वूश टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। रिमूव करना है आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब तो आप क्या करोगे, बिफोर रिमूव, सबसे पहले तो बिफोर रिमूव द आरटी, देयर शुड बी प्रेजेंट गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, जनरली तो देखो कोई ओरल वगैरह कैंसर हो तो अपन आरटी डाल देते हैं, मगर आपको इस गैग रिफ्लेक्स रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में कि भाई जनरल एनेस्थीसिया दिया या फिर पेशेंट है जो अनकॉन्सियस है उसके आरटी ट्यूब लगाई गई थी, अब उसको आरटी ट्यूब निकालनी है, उसको ओरली फीडिंग करवानी, तो आपको एज नर्स आपका क्या रोल रहेगा, तो आपको गैग रिफ्लेक्स को देखना है रिमूव करने से पहले। नेक्स्ट आपको देखना है उसको क्या एडवाइस करना है, एडवाइस फॉर वाल्सलवा मेन्यूवर, वाल्सलवा मेन्यूवर के लिए भी उसको क्या करना है, हमें एडवाइस करना है। डिस्कार्ड कहाँ करोगे, एनजी ट्यूब को डिस्कार्ड किस में करना है, तो रेड बैग के अंदर, ये भी एमसीक्यू बना हुआ है अपना। अब हम बात करते हैं साइज की, भाई एनजी ट्यूब की आपको साइज क्या रखनी चाहिए, तो देखिए दो तरह के एनजी ट्यूब आती है, एक तो फीडिंग करवाने के लिए, दूसरी एब्डोमेन को डीकम्प्रेशन करवाने के लिए, तो अलग अलग इनके फ्रेंज होते हैं। तो ठीक है, बेसिक से आपको देखो फीडिंग के लिए आप याद रख लो, उसके आपको दो प्लस करके रखना है आपको, तो वो आ जाएगा आपका डीकम्प्रेशन का। तो नियोनेट के लिए इन्फेंट और 5 ईयर की एज के लिए, मोर देन 5 ईयर की एज के लिए आपको कितना डायमीटर रखना होता है, ये हो गया अपना साइज अकॉर्डिंग टू फीडिंग डायमीटर। और अभी जो आपको इमेज दिख रही है ये दिख रही है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग नेजोगेस्टिक ट्यूब के आपको साइज, ठीक है, 6 फ्रेंच से लेके टोटल कितनी फ्रेंच की होती है, 20 फ्रेंच तक देख अपन मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं। इसका एक कलर चार्ट है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज बनते हैं इसके फीडिंग से लेके, कि आपको अगर फीडिंग टेक्निक करनी है एनजी ट्यूब के साथ में तो यहाँ से कुछ एमसीक्यू बनते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं तो वो होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम अगर कितना होगा तो हम होल्ड करेंगे, अगर रेसिड्यूअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml होता है तो हमें क्या करना है, होल्ड द फीडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। और हमने जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम निकाला है उसको वापस से री इंसर्ट इनटू द स्टमक, वापस से उसको स्टमक के अंदर डालना होता है, डिस्कार्ड नहीं करना होता है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम को अगर हमने डिस्कार्ड कर दिया तो कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिल सकता है, तो ये होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इफ वी डिस्कार्ड द रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो क्या कौन सा एल्केलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस वाला कंडीशन देखने को मिलता है। आफ्टर फीडिंग पोजिशन क्या होनी चाहिए, आफ्टर फीडिंग जो पोजीशन होनी चाहिए, राइट साइड विथ सेमी पॉलर पोजीशन। और हर फीडिंग से पहले हमें क्या करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट असेस करना होता है। और भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, इतना डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बाकी सभी को आप पता ही होगा क्योंकि आप सभी ने एग्री किया है किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू को लेके, इस एमसीक्यू का आंसर क्या था अपना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपके सामने दो इमेज है, लेफ्ट साइड की जो इमेज है वो कौन सी है, लेविन ट्यूब की, और राइट साइड की जो इमेज है वो कौन सी है, सलेम्सम ट्यूब। अब दोनों ही कौन से टाइप के एग्जांपल है, ये दोनों ही ट्यूबें किसकी है, नेजोगेस्टिक ट्यूब। नेजोगेस्टिक ट्यूब के एग्जाम्पल होते हैं, ये होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब, ये होती है डबल ल्यूमन ट्यूब। आपके इसके अंदर दो ल्यूमन दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन जो अपनी लेवाइन ट्यूब होती है इसको अपन लेवाज एंड गेवाज के लिए काम में लेते हैं और इंटरमीडिएट सक्शन के लिए भी काम में लेते हैं।
अभी जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इस ट्यूब का क्या नाम है? मिलर अबॉट ट्यूब। ठीक है, मिलर अबॉट ट्यूब किस प्रकार की होती है? इंटेस्टाइनल ट्यूब। एक इंटेस्टाइनल ट्यूब का टाइप है, किस काम में आती है? इंटेस्टाइन को या फिर आप बोल सकते हो स्टमक को डीकम्प्रेशन करने के लिए, क्योंकि इसका गैस्ट्रिक लेवाज गेवाज का भी काम होता है, तो इंटेस्टाइन को गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन के लिए भी मैंने आपको बताया अलग अलग फ्रेंच की आती है, तो लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका जो है वो क्या रहता है काम? गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन ट्यूब। इसके अलावा नेक्स्ट ट्यूब है जिसका क्या नाम है? कैंटर ट्यूब। कैंटर ट्यूब भी क्या काम में आती है? गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन में, या फिर आप कह सकते हो कि इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन में काम में ली जाती है। अब जो आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ये इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? लेवाज ट्यूब। ठीक है, यहां से क्या सक्शन करके अपन बाहर निकाल सकते हैं, ट्यूब का क्या नाम है? एवाल्ड ट्यूब। ठीक है, एवाल्ड ट्यूब इसमें काम आती है लेवाज करने में। नेक्स्ट ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? लेवाक्यूएटर ट्यूब, और ये भी एक तरीके से लेवाज का काम करती है। अभी जो इमेजेस आपको दिख रही है, ये है सैंगस्टैकन ब्लैकमोर ट्यूब, मिनेसोटा ट्यूब। सैंगस्टैकन ब्लैकमोर ट्यूब के अंदर क्या है? तीन आपको ल्यूमन देखने को मिलते हैं, मिनेसोटा में 1, 2, 3 एंड 4 ल्यूमन्स देखने को मिलते हैं आपको। ओके, और सैंगस्टैकन ल्यूब और जो अपना इसोफेजियल वेरिसेस वाली कंडीशन के अंदर देखने को काम में यूज में आती है। इसोफेजियल वेरिसेस में क्या होता है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है इसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से ये डिकम्प्रेशन जो कंप्रेशन ट्यूब है ये वहां पे जाके अटैच हो जाएगी। इसको अपन एयर से अपन इसको इन्फ्लेट करेंगे, डायरेक्ट उस पर प्रेशर डालेगा और ब्लीडिंग जो है वो कम होगी। अब इसका एक एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू ये बनता है कि आपको एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे? रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑलवेज कीप ए सीजर एट क्लाइंट्स बेड। हमेशा आप क्लाइंट्स के बेड के पास में सीजर रखोगे, जब भी उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो उसको क्लाइंट को, तो आप क्या करो इस ट्यूब को कट करके इमीडिएटली बाहर खींच सकते हो। इसके लिए मिनेसोटा लूप के अंदर क्या होते हैं? 4 ल्यूमन्स देखने को मिलते हैं, और ये जो पास में आपको ट्यूब देखने को मिल रही है इसके अंदर ये जो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन का एक अलग से पोर्ट है वो नहीं होता है, बाकी में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ये कौन सी ट्यूब होती है? लिंटन ट्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कैंड बाई ई फास्ट। Which of the following is not scanned by eFast? ठीक है, eFast अपनी क्या टेक्निक होती है, फास्ट टेक्निक से अपन काम में लेते हैं ट्रॉमा के अंदर, उसमें से कौन सा एक फॉलोइंग ऑप्शन है जो स्कैन नहीं किया जाता फास्ट टेक्निक के द्वारा? पेरिकार्डियम को, लीवर को, बॉवल को, या फिर स्प्लीन को? किसको जो है eFast के द्वारा हम स्कैन नहीं करते हैं? प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू है आज अपनी क्लास, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी प्री और मेंस दे रहे हैं दोनों ही। तो देख लीजिए, सबसे पहले फास्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो, फास्ट का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ रहा था एग्जाम के अंदर, क्या होता है? फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। ये होती है फास्ट की डेफिनेशन फुल फॉर्म में। अब ये फास्ट हम करते क्यों हैं? ये अगर हमसे क्यों पूछ ले व्हाट इज द पर्पस फॉर फास्ट, मतलब फास्ट क्यों करते हैं अपन, तो इसका रीजन ये रहेगा टू असेस द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन टू पेरिटोनियम
और पेरिकार्डियम। अब बताइए कि कौन से एक फॉलोइंग ऑप्शन को फास्ट के अंदर स्कैन नहीं किया जाता है। स्कैन किसके द्वारा होता है? सोनोग्राफी के द्वारा, यूएसजी के द्वारा। इसके अंदर फोकस कहाँ कहाँ होता है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले अपन करते हैं कहाँ पे, एपिगेस्टिक रीजन के अंदर, या फिर इसे हम देख सकते हैं कि पेरिकार्डियल रीजन के अंदर भी। सेकंड हम देखते हैं स्प्लेनिक, थर्ड हम देखते हैं हिपेटिक, एंड फोर्थ हम देखते हैं पेल्विक। कौन सा ऑप्शन गलत है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी। सी को इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जब कभी हम फोकस्ड असेसमेंट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जो बॉवेल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ई फास्ट के अंदर अभी जो है, इन्होंने दो प्लेस को और एग्जामिन करना शुरू किया है। चार तो ये अपने पास में थी जिनको हम एग्जामिन करते हैं, इसके अंदर अभी दो को और ऐड कर दिया गया है। वो क्या है? लेफ्ट एंड राइट थोरैसिक कैविटीज। पहले ये इंक्लूड नहीं थी, अभी जब इनको भी इंक्लूड कर दिया तो इसको क्या नाम देते हैं? ई फास्ट। इनको ऐड करने के पीछे क्या रीजन है कि हम क्या असेस कर सके? न्यूमोथोरेक्स या फिर हाइड्रोथोरेक्स को असेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। तो देखो, आपको इस प्रकार की इमेज देखने को मिल सकती है एग्जाम के अंदर, अगर वो लोग इतना एडवांस लेवल पूछ रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका है? ई फास्ट का। ये अपना प्लेसेस बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ई फास्ट की कहाँ कहाँ से हम क्या करेंगे? सोनोग्राफी करवाते हैं, असिस्ट करवाते हैं डॉक्टर को। हम नहीं करते हैं, डॉक्टर्स इसमें हम इसमें क्या असिस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को हेल्प कर सकते हैं। करेंगे कौन? डॉक्टर्स, ठीक है। तो देखिए, सुप्रा प्यूबिक रीजन में या फिर पेल्विक रीजन के अंदर हम करते हैं, उसके बाद में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हम कर सकते हैं, स्प्लेनिक रीजन के अंदर, एंड राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हम कर सकते हैं। इसके बाद में सब जिपोइड प्लेक्सेज या फिर एपिगेस्टियम रीजन के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद में राइट एंटीरियर चेस्ट में करते हैं और लेफ्ट एंटीरियर चेस्ट में करते हैं। किसको असेस करने के लिए? तो एयर को असेस कहाँ करोगे? और एंटीरियर चेस्ट में और अपर साइड में, क्योंकि एयर आपको कहाँ हल्की होती है तो ऊपर देखने में मिलती है, तो इसका भी लोकेशन कहाँ रहता है? यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या ई फास्ट असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक टू मिनिमाइज द SSIR गिवन। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हम कब देते हैं मिनिमाइज करने के लिए? क्या SSIR गिवन, ये ऐसा एमसीक्यू आ गया। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मीनिंग बताऊंगा SSIR का क्या मतलब है। ये एग्जाम में एमसीक्यू आ गया तो आप क्या आंसर दोगे, पहले अकॉर्डिंग टू वैसे ही आपको थिंक करके आंसर करना है। 60 मिनट बिफोर द स्किन इंसिजन, 1 to 3 आवर्स बिफोर स्किन इंसिजन, एट टाइम ऑफ स्किन इंसिजन सर्जिकल इंसिजन, या फिर नाइट बिफोर सर्जरी। तो देखो, मिनिमाइज करना है किसको? SSI को। तो उसके लिए आपको क्या देना होता है? प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देना होता है। तो इसे हम कब देंगे, ये आपका एमसीक्यू है। तो देखिए, SSI का क्या मतलब होता है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। SSI क्या मतलब हो गया? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। हम सर्जरी करते हैं, असिस्ट करवाते हैं, करते हैं, डॉक्टर्स ना सर्जन है, तो वो असिस्ट करवाने से पहले एक प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दिया रहता है। उसको कब देते हैं? विद इन 60 मिनट बिफोर स्किन इंसिजन। स्किन इंसिजन के 60 मिनट पहले वो देना होता है, ठीक है, तभी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं कि आफ्टर द सर्जरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए, उसके लिए वो नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से अप्रोचेज रहते हैं। पोस्ट ऑप नोट्स डाले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे फॉलो करते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। मगर ये कब लगा जाता है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इंसिजन से जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए उस प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक की डोज कब लगनी चाहिए? तो विद इन 60 मिनट बिफोर द इंसिजन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अपना WHO चेकलिस्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट।
इसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। जो कौन इस किसने इसको पब्लिश किया था, इसको पब्लिश करने वाले कौन थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया था। इसके अंदर तीन यहाँ पे स्टेप्स होती है, फर्स्ट होती है साइन इन, सेकंड स्टेप साइन आउट, एंड थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है साइन आउट। ठीक है, सेकंड स्टेप टाइम आउट, थर्ड स्टेप साइन आउट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो एमसीक्यू क्या बनता है, इस व्हाट साइन की स्टेप हमें कब करवानी चाहिए, तो ये होती है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया देने से पहले हमें क्या क्या करवाना होता है, साइन इन करवाना होता है। टाइम आउट हमें कब करवाना होता है, बिफोर स्किन इंसिजन, स्किन इंसिजन लगने से पहले हमें कब करना होता है, टाइम आउट। उसके बाद में साइन आउट कब करना होता है, बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम को छोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को साइन आउट करवाते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें करते क्या है, इनसे भी एमसीक्यू बनता है। डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट से लास्ट 3 साल से हर बार एमसीक्यू बन रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, साइन इन में क्या करते हैं, पेशेंट की सेफ, पेशेंट को कंफर्म करते हैं, इसके अंदर आइडेंटिटी देखते हैं, पेशेंट की साइट देखते हैं, कौन सी जगह का ऑपरेशन है, प्रोसीजर क्या है, करेक्ट कंफर्म करते हैं, अपन कंसेंट देखते हैं कि कंसेंट प्रॉपर लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में हम देखते हैं कि साइट मार्क की हुई है कि नहीं हुई, जहाँ पे ऑपरेशन करना है, जैसे कोई लिम्ब की सर्जरी करनी है, वो लिम्ब मार्क है या नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है कि अवेयरनेस की अनअवेयरनेस की वजह से जहाँ की सर्जरी होनी चाहिए उसके अपोजिट साइड में सर्जरी हो जाती है। ठीक है, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट, वो जैसे वेंटिलेटर की, अगर सॉरी एनेस्थीसिया मशीन की जैसे यूज पड़ती है, तो अपन पूछते हैं कि हाँ वहाँ पे क्या ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट है। उसके बाद में पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी का रिएक्शन तो नहीं है, अगर पेशेंट का इंट्यूबेशन होना है तो उसका डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की रिस्क तो नहीं है, वहाँ पे ब्लड लॉस कितना होता है। तो ये सारी चीजें हम कब करते हैं, साइन इन में, जब पेशेंट ओटी के अंदर आता है और उसको अनेस्थेसिया देने से पहले हम ये सब चीजें करवाते हैं, पेशेंट को कंफर्म करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लास्ट में डॉक्टर के साइन, मतलब एक तो सर्जन के साइन और दूसरे अनेस्थेटिक के साइन यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद में ये हम करते हैं टाइम आउट इन स्किन इंसिजन के पहले। यहाँ पर हम देखते हैं भाई कौन कौन सी टीम यहाँ पे सर्जरी कर रही है, कौन कौन से डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया में कौन स्टाफ है, कौन स्क्रब है, कौन सर्कुलेटरी है, वो सब चीजें हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद में अगेन हम यहाँ पे पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करते हैं, पेशेंट का साइट कंफर्म करते हैं और प्रोसीजर कंफर्म करते हैं कि हो सकता है उन्होंने, सर्जन ने कुछ अलग डिसाइड किया हो प्लान करने के लिए, तो कुछ प्लान चेंजेस किए हैं, तो हम यहाँ पे इसलिए इसको वापस से बताया गया है। सर्जन का रिव्यू देखते हैं इसके अंदर कि भाई आपके ऑपरेशन से रिलेटेड आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे स्टेप्स तो नहीं है जो आपको नहीं लगता है बट हो जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन ड्यूरेशन कितना है, या फिर एंटिसिपेटेड आपका अनुसार ब्लड लॉस कितना हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एनेस्थीसिया टीम की रिव्यू भी देखते हैं। उसके बाद में नर्सिंग टीम रिव्यू भी देखने को मिलता है यहाँ पे कि भाई आपने अपनी तरफ से स्टेरिलिटी को मेंटेन किया है नहीं किया है, और आपके कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद में देखिए मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ, इस लाइन की वजह समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लाइन दी हुई हैज एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिक बीन गिवन विद इन लास्ट 60 मिनट। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन क्लियरली मेंशनड है, इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये इसीलिए दी जाती है क्योंकि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ना हो। अगर यस दिया है तो यस, कौन सा दिया है वो आगे हम मेंशन कर देते हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि एसेंशियल इमेज डिस्प्ले, कोई जैसे आपके पास में सीटी रिपोर्ट है, एमआरआई रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, वो डिस्प्ले की गई है नहीं की गई है बोर्ड के ऊपर। एंड फाइनली लास्ट में करते हैं साइन आउट, वो करते हैं बिफोर पेशेंट लीव, पेशेंट को लीव ऑपरेशन ऑपरेटिंग रूम से लीव करने से पहले इसमें क्या देखते हैं, प्रोसीजर है उसको हमने अच्छे से रिकॉर्ड किया नहीं किया बोर्ड वगैरह पे, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट चेक कर लिए, कोई कम ज़्यादा, ठीक है, कोई ब्रोकन हो गया ऐसा कुछ, सैंपल आपने कुछ लिया तो उसको प्रॉपर तरीके से लेबलिंग किया सैंपल का, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर लास्ट में कुछ अलग से पेशेंट की रिकवरी के लिए कोई कंसर्न, या फिर कोई मैनेजमेंट के लिए कोई पेशेंट के लिए कुछ कंसर्न लिया गया हो तो वो, और फाइनली यहाँ पर ठीक है अगेन वापस से साइन होते हैं। ठीक है, और ये हो गई अपनी क्या, डब्ल्यूएचओ सेफ्टी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट। इससे जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम सब ने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैलकुलेट द जीसीएस ऑफ ए पेशेंट एक्सिबिटिंग आई ओपनिंग ऑन पेनफुल स्टिमुलस, कॉन्सियस बट कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू टेल टाइम एंड एक्सिबिट फ्लेक्शन ऑन पेनफुल नॉक्सियस स्टिमुलाई टू द आर्म। हमें क्या करना है, जीसीएस को कैलकुलेट करना है पेशेंट को, और पेशेंट क्या क्या यहाँ पे एक्सिबिट करता है, साइन क्या कर रहा है, आई ओपन कर रहा है, एक तो पेनफुल स्टिमुलस है तब, दूसरा कॉन्सियस तो है मगर कन्फ्यूज है,
डिसोरिएंटेड हो सक आप बोल सकते हैं, जो टाइम को नहीं बता पा रहा है, एंड एक्सिबिट फ्लेक्शन, फ्लेक्शन कर रहा है बट कब कर रहा है, जब उसको पेनफुल एक्सटर्नल स्टिमुले दी जा रही है तब। तो इसका यहाँ पर GCS स्कोर क्या रहेगा, ये एग्जाम में बार बार MCQ पूछा जा रहा है। ये MCQ उसी को आएगा जिसको GCS स्केल के स्कोर पता है, उसी को ही ये टॉपिक और ये MCQ आंसर करेक्ट कर पाएगा। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, तो देख लेते हैं एक बार GCS स्कोर। तो देखिए इस प्रकार से जो हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के स्कोर को असेस करते हैं। एक होता है इसके अंदर ई, एक होता है वी और एक होता है एम। ठीक है, टोटल क्या कितने स्कोर देखने को मिलते हैं इसके अंदर, कितने पैरामीटर होते हैं, तीन पैरामीटर होते हैं। एक होता है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, एक होता है वर्बल रेस्पॉन्स और एक होता है मोटर रेस्पॉन्स। आई के अंदर टोटल कितने पैरामीटर रहते हैं, 1 to 4, वर्बल के अंदर 1 to 5 एंड मोटर रेस्पॉन्स के अंदर 1 to 6। ठीक है, तो टोटल मिनिमम इसका स्कोर कितना आ दिया, आई के अंदर हमने 1 दिया, मोटर के अंदर वर्बल के अंदर 1 दिया और मोटर के अंदर 1 दिया। तो मिनिमम स्कोर की हम बात करें तो कितने होते हैं, 3, एंड मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो कितना, देखो आई के अंदर हमने 4 दिया, ओरिएंटेशन के अंदर वर्बल रेस्पॉन्स अगर बोलते ही ओरिएंटेड हो गया ये कितना दिया, 5, एंड मोटार में कितने स्कोर होते हैं तो 6। इनकी टोटल कंबाइन करते हैं कितने होते हैं, 15। ठीक है, 3 तो हो गए मिनिमम स्कोर एंड 15 हो गए मैक्सिमम स्कोर। कॉमाटोज क्लाइंट का बोलते हैं, या फिर 8 या 8 से कम वाले क्लाइंट को क्या बोलते हैं, कॉमाटोज क्लाइंट। अब आपको वो जो क्वेश्चन आपको आराम से दिखाई दे रहा है, ये MCQ आप सभी के पास में, और इसके अंदर आपको बताया कि आई ओपनिंग कर रहा है पेनफुल स्टिमुले के साथ में, कॉन्शियस है मगर कंफ्यूज है, टाइम नहीं बता पा रहा सही से, और एक्सिबिट फ्लेक्शन कर रहा है पेनफुल एक्सटर्नल स्टिमुले के साथ में, तो इसका स्कोर क्या होगा। इसका स्कोर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ, क्योंकि इसके अंदर कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं, बस अगर आपको वो स्केल याद होगी तो स्कोर भी निकाल लोगे। नेक्स्ट MCQ, और क्वेश्चन के लास्ट में, सेशन के लास्ट में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन क्लास 3rd हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक शॉक की जो क्लास रहती है उसमें से क्लास कौन सी है, 3rd क्लास, तो क्लास 3rd रहती है उसमें उसका ब्लड लॉस का अमाउंट का परसेंटेज क्या होता है, 15 to 30%, 30 to 40%, 40 to 45%, या फिर 45 to 50%। ठीक है, इतनी क्लास में इसको बांटा जाता है हेमरेजिक शॉक को। और थर्ड आपको जो क्लास 3rd के बारे में आपसे पूछा गया है उसके अंदर इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है तो उसको क्लास 3rd में इंक्लूड किया गया है या फिर किया जाता है। फिफ्टीन टू थर्टी परसेंट, 30 to 40%, 40 to 45 और 45 to 50%। हेमरेजिक शॉक के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, तो हेमरेज के एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से क्या हुआ, शॉक की कंडीशन देखने को मिली है, इसे हमने क्या कहा, हेमरेजिक शॉक। तो देखो इसकी कुछ कैटेगरीज होती है, तो इसकी कैटेगरी होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कैटेगरी में ब्लड लॉस हम देखें, MCQ बन सकता है ऐसा भी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में ब्लड लॉस होता है 0 to 15%, सेकेंड कैटेगरी में जो ब्लड लॉस होता है वो होता है 15 to 13%, थर्ड कैटेगरी के अंदर ब्लड लॉस होता है वो होता है 30 to 40%, एंड फोर्थ कैटेगरी में कितना होता है, मोर देन 40% ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आपको थर्ड कैटेगरी से पूछा है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 30 to 40%, क्योंकि 30 to 40% में अपना क्या है, कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और भी हम इसके अंदर देखते हैं जो कैटेगरीज होती है, इनके अंदर अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, पल्स यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है, लाइक जैसे
जैसे ग्लास्कोकोमा स्केल होती है उसी प्रकार से ये क्लास डिसाइड की गई है हेमरेजिक शॉक को, ठीक है। इस क्लासेस के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो वहां से कभी एमसीक्यू नहीं पूछा है, बस एक बार ये एमसीक्यू पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो मैंने आपको सामने लेके आया हूँ सोल्व करने के लिए। प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। जैसे अभी अपनी क्लासेस चल रही है प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड ही, उसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, क्योंकि ब्लड टॉपिक से एमसीक्यू बनता है और पीपीएस से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। हो सकता है शोक से भी बने, और शोक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखे हैं, और ये एक पॉइंट छोटा सा बच गया था, क्लास किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी हमने आज सीख लिया है। ये यूरिन आउटपुट का इससे एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी क्लास के अंदर कितना आपको यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है एमएल पर आवर। तो फर्स्ट क्लास के अंदर मोर देन 30 ml जो नॉर्मल है, सेकेंड क्लास के अंदर 20 to 30%, थर्ड के अंदर 5 to 25, एंड फोर्थ के अंदर नेग्लिजिबल यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है यहाँ पे। और क्या लगाओगे यहाँ पे? यहाँ पे एक तो आप क्रिस्टलोइड लगाना है सॉल्यूशन, और साथ साथ में ब्लड चढ़ाना होता है पेशेंट को, और यहाँ पर भी क्रिस्टलोइड एंड ब्लड को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग नीडल इज यूज्ड टू सूचर स्किन। स्किन को सूचरिंग करने के लिए कौन से टाइप की नीडल की रिक्वायरमेंट होती है? कटिंग नीडल, रिवर्स कटिंग नीडल, राउंड बॉडी नीडल, स्ट्रेट बॉडी नीडल। विच ऑफ द फॉलोइंग नीडल इज यूज्ड टू सूचर स्किन। स्किन को सूचर करने के लिए किस प्रकार की नीडल की आवश्यकता होती है? कटिंग नीडल, रिवर्स कटिंग नीडल, राउंड बॉडी नीडल, या फिर स्ट्रेट बॉडी नीडल। तो देखो स्किन को सूचर करने वाली नीडल किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये है अपना आंसर क्या, कटिंग नीडल, ठीक है। कटिंग नीडल के बारे में भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से कटिंग नीडल होती है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना कटिंग नीडल अपना रहेगा इसमें करेक्ट आंसर, और बाकी की जैसे रिवर्स कटिंग, राउंड बॉडी नीडल, स्ट्रेट नीडल, ये कैसी होती है, किस दिखने में कैसी होती है, इन सब की इमेजेस देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बनते हैं इनसे भी। सूचर का टॉपिक मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं नीडल्स की। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये नीडल का क्या है, कर्व, ठीक है। अगर आप अपन कर सकते हैं कि नीडल को शेप के अकॉर्डिंग या फिर नीडल की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये नीडल का कंप्लीट अगर हम सर्कल बात करें तो ये कितना होता है, 5/8, ठीक है। यहाँ से सूचर कनेक्ट रहता है, सूचर की लेंथ यहाँ से कनेक्ट रहती है, तो ये अपना क्या है, कंप्लीट नीडल एक कर्व बनाती है, कितना होता है, 5/8 का। यहाँ से एमसीक्यू बनता है, बना हुआ भी है, ठीक है। और हाफ कितना होता है, तो ये इसका हाफ है, और 1/3, 1/4 एंड 3/8 का कितना होता है, क्या होता है, ये उनकी इमेजेस हैं, ठीक है। सेकंड वन ये कैसी नीडल है, स्ट्रेट नीडल है। दूसरा ये 1/1.5 कर्व नीडल है। सेकंड ये किस प्रकार का कर्व बना रहा है यहाँ पे, कंपाउंड कर्व, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की नीडल आती है उनमें देखने को मिलता है ये। नेक्स्ट, बस आपकी इनकी शेप पता होनी चाहिए, और एक नीडल जो है वो कितना कर्व बनाती है मैक्सिमम, ये भी ध्यान में रखो आप। ये यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स की सूचर नीडल दिख रही है, ठीक है, जिसकी लेंथ और जिसका कर्व कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। और बस ये अलग अलग टाइप की काम में आती है ऑपरेशन के टाइम में। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना जो एमसीक्यू बना था कटिंग नीडल वो यहीं से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो नीडल रहती है, उनके जो नीडल जो कट करती है या फिर उसका जो टिप होता है या फिर उसकी कंप्लीटली शेप होती है, उस शेप के अकॉर्डिंग नीडल को डिवाइड किया गया है। एक होती है ब्लंट पॉइंट नीडल, इसका आगे से जो पॉइंट होता है वो ब्लंट होता है और पीछे कंप्लीट ये इसी प्रकार की बनी होती है। दूसरा राउंड बॉडी टेपर पॉइंट, ठीक है, इसका एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, इमेज दे देते हैं या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि राउंड बॉडी टेपर पॉइंट की इमेज किस प्रकार से होती है, या फिर जो इमेज दिखाई दे रही है इमेज को किस प्रकार की नीडल नीडल कट की इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरा टेपर कटिंग, इसका भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तीन चार ही इसके अंदर फेमस है,
टी कार पॉइंट इतना नहीं पूछते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। सेकंड, कॉन्वेंशनल कटिंग और रिवर्स कटिंग, इन दोनों से एमसीक्यू बनता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बस अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेक्टुलेटेड पॉइंट, दूसरा रिवर्स कटिंग प्राइम। ये कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, निडल किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से इसको कटिंग बोलते हैं क्योंकि कट करते हुए निकलती है सूचर को, स्किन को। तो यहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनमें ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए कुछ है नहीं, बस इनकी जो शेप है वो आपको याद रखनी है, एमसीक्यू बनता है इससे। अब जैसे देखिए आपके सामने ये सूचर की, सूचर पैकेट की आपको इमेज दिखाई दी गई है। सूचर कौन सा है, वाइक्रिल है, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है अपना। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी में आता है वाइक्रिल, नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए इसका जो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि ये इसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए और कितने सेंटीमीटर, कितने इंच का आता है ये। ठीक है, उसके हमें देखो ये वाली इमेज की मैं बात कर रहा था, आपको ऐसी इमेज डायरेक्ट दिखाई देगी, ये सब नाम आपको हटा दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे, ये निडल दिखाई देगी आपको और ऊपर से आपको ये बस ये इमेज दिखाई देगी और वो पूछेंगे आपसे कि ये किस टाइप का सूचर है या फिर किस टाइप की निडल इसमें लगी हुई है। तो निडल का शेप क्या है इसका, राउंड बॉडी टेपर पॉइंट निडल। ठीक है, राउंड बॉडी टेपर पॉइंट। अभी जैसे प्रीवियस हमने निडल्स देखी थी, आगे से उनका टिप कैसा होता है कम्प्लीटली, वो पीछे से कैसी बनी होती है, उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। ऐसी कौन, तो बस कंपनी नेम है जो इनको मैन्युफैक्चर करती है और ये क्या होते हैं, इसके कोड होते हैं स्पेशल। ठीक है, इस कंपनी के कोड या फिर वाइक्रिल जो 20 है उनके यहाँ पे कोड दिए हुए रहते हैं, यूनिवर्सल कोड। ये भी सूचर कैसा है, ब्राइडेड सूचर है। मैंने ब्राइडेड नॉन ब्राइडेड के अंदर भी मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है प्रीवियस क्लास के अंदर, एक सूचर के ऊपर कंप्लीट क्लास ली हुई है मेरी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैरामीटर टू मॉनिटर द रेस्पॉन्स ऑफ शॉक मैनेजमेंट। ठीक है, शॉक के मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स में बेस्ट पैरामीटर क्या रहेगा जिससे आपको पता लगेगा कि भाई हाँ हमारा जो पेशेंट का जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बेस्ट है। यूरिन आउटपुट देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे उसका या फिर CBP देखेंगे। बेस्ट पैरामीटर रहा है टू मॉनिटर टू रेस्पॉन्स टू शॉक मैनेजमेंट, हमने शॉक का जो मैनेजमेंट किया है तो उसको देखने के लिए क्या कौन सा पैरामीटर है जिससे से लगेगा कि पेशेंट ने जो है वो रेस्पॉन्स अच्छा किया है अपने मैनेजमेंट को लेके। बस इसमें कुछ नहीं देखना होता है हमें, बस उसका यूरिन आउटपुट देखना होता है किस प्रकार से उसमें फ्लूइड बैलेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू, वॉट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन हीमोडाइनेमिकली स्टेबल ब्लंट इंजरी एब्डोमन पेशेंट। एक ब्लंट इंजरी एब्डोमन पेशेंट आया आपके पास में, ठीक है, हीमोडाइनेमिकली वो स्टेबल है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रखोगे, USG, CECT एब्डोमन, MRI या फिर डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज। स्टेबल पेशेंट है बट उसके ब्लंट इंजरी हो रखी है एब्डोमन में, तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा। देखिए यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा वो क्या रहेगा, CECT एब्डोमन। क्या मतलब होता है इसका, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड CT एब्डोमन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेज देखते हैं। ठीक है, इमेज किसकी देखेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज की, ब्लड वेसल्स वगैरह की, उसकी इमेज देखेंगे क्योंकि क्या हुआ, उसको ब्लंट इंजरी हुआ है तो ब्लंट इंजरी में कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन रैप्चर्स इन ब्लंट इंजरी, स्प्लीन या फिर लिवर, दोनों में से जो करेक्ट है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखता हूँ मैं आपको कितना आपने लर्न किया है मेरी क्लासेस से। नेक्स्ट MCQ, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन हियर फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन।
आपको इस इमेज में कौन सी इमेज दिखाई दे रही है, आपको इस इमेज में कौन सा प्रोसीजर दिखाई दे रहा है, जो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है पेशेंट को, किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये इमेज है आप सभी के सामने। फीडिंग जेजुनोस्टोमी है, ये परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गेस्ट्रोस्टोमी है, सेंट्रल वेन इंसर्शन है या फिर हिकमैन्स लाइन है। देखिए सेंट्रल वेन इंसर्शन यहाँ पे नहीं लगती है, वो सब क्लेवियन वेन इंटरनल जुगुलर वेन में इंसर्ट की जाती है, फीमोरल वेन में इंसर्ट की जाती है, मगर यहाँ तो नहीं की जाती है। ये तो उसका एब्डोमन दिखाई दे रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी तो एक्सक्लूड कर देता हूँ मैं ही। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर जाएगा, देखो परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है ये, इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, पीईजी ट्यूब। क्या रहेगा आंसर अपना, ऑप्शन नंबर बी पीईजी ट्यूब। ठीक है बाकी की ट्यूब्स के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने इमेज दिख रही है, इसके अंदर फर्स्ट वन में क्या लिखा है, इसोफेगस। इसोफेगस में कौन सी ट्यूब डलती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इन्होंने यहां से इंसर्ट करके कहां लाके छोड़ दिया, स्टमक में लाके छोड़ दिया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। दूसरा इन्होंने डायरेक्ट स्टमक के ओपनिंग की इन्होंने, ये कौन सी ट्यूब होगी, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। इसे हम जी ट्यूब के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जेजुनम पे डायरेक्ट इन्होंने ट्यूब लाके फीडिंग करवा रहे हैं, या फिर जेजुनम से जो भी आगे प्रोसीजर करवाना है इनको, इसे हम क्या बोलते हैं, जेजुनोस्टोमी ट्यूब। इसे हम जे ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। बाकी की जो इस एमसीक्यू में आपसे जो ट्यूब पूछी गई थी वो थी क्या, पीईजी ट्यूब। वो डायरेक्ट हम यहाँ पे गैस्ट्रोस्टोमी के अंदर डालते हैं, ठीक है, परक्यूटेनियसली। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच प्रोसीजर इज डन फॉर रेन्यूला मैनेजमेंट, रेन्यूला मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर डन किया जाएगा। ठीक है ये जो इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये क्या हो रखा है यहाँ पे, सब लिंगुअली यहाँ पे क्या देखने को मिला है आपको, एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या मैनेजमेंट करना है, इंसिजन एंड ड्रेनेज, एस्पिरेशन, एक्सिजन ऑफ सब लिंगुअल ग्लैंड या फिर मार्शुपिलाइजेशन। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेन्यूला। कैसे होता है ये एक प्रकार का क्या है, सिस्ट है। सिस्ट भी कौन सी है, इसके अंदर क्या कलेक्ट हो गया है, फ्लूड कलेक्ट हो गया है, ठीक है, या फिर जो भी ग्लैंड के जो भी सिक्रेशंस बन रहे थे वो आके यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं ड्यू टू एनी इंजरी एंड ट्रोमा। कोई आपके इमरजेंसी में पेशेंट आया जिसके ये आपको देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे मैनेजमेंट करोगे इसका, इंसिजन एंड ड्रेनेज, एस्पिरेशन, एक्सिजन ऑफ सब लिंगुअल ग्लैंड या फिर मार्शुपिलाइजेशन। देखिए ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, ये जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड्स है उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसको परमानेंटली ट्रीट करने के लिए परमानेंटली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब ये इतना इस स्ट्रक्चर का आपको देखने को मिलेगा तब इसका क्या, परमानेंटली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा, एक्सीजन ऑफ सब लिंगुअल ग्लैंड। एक देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन में अलग टर्म मिली है, क्या है ये, मार्सुपिलाइजेशन, बस मार्सुपिलाइजेशन और कुछ नहीं है,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका बार्थोलिन जो सिस्ट रहती है, सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड फॉर ट्रीट बार्थोलिन सिस्ट। ठीक है, बार्थोलिन सिस्ट के अंदर स्वेलिंग वगैरह बन जाती है वो इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या सिस्ट बन जाती है, उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्सुपिलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन थायराइड सर्जरी। थायराइड ग्लैंड की हम सर्जरी करते हैं तो वहां पर कौन सी नर्व जो है वो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है, आर एल एन, ई एल एन, आई एल एन या फिर वेगस नर्व। सेम डिट्टो एमसीक्यू आपके एम्स में पूछा गया था। ठीक है, एमएससी एंट्रेंस के अंदर क्या रहेगा आंसर, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ई एल एन। ई एल एन का देखो, आपको एल एन का मतलब तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है, लेरिंजियल नर्व। ठीक है, अगर आपको इतना सा ही पता था तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। ठीक है, लेरिंजियल नर्व यहाँ पे मोस्ट कॉमन, यहाँ पे डैमेज होने की संभावना रहती है ट्रेकेस्टोमी के अंदर भी और थायरॉइड सर्जरी के अंदर भी। ठीक है, और वो भी कौन सी, बस यहाँ पे पूछ लिया, थोड़ा और डीप पूछ लिया कि कौन से साइड की लेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ई से क्या हो गया, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। अगर कंप्लीट आपसे पूछे तो वो कौन सी नर्व होती है, तो लेरिंजियल नर्व तो होती है मगर उसका टाइप क्या होता है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। आर एन एल का क्या क्या मतलब होता है, आर एन एल का मतलब होता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट, और आई से क्या हो गया, इन्फीरियर लेरिंजियल नर्व। बस ये आपको हम कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार से छोटे वर्ड जो अंदर आपको बता दिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। बस बाकी आपको आ तो इजी सा एमसीक्यू एकदम आपको तो आ ही रहा था, मगर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू, फोर सेंटिनल नर्व, फोर सेंटिनल नोड बायोप्सी इन ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में बायोप्सी करते हैं उसका क्या नाम है, सेंटिनल नोड बायोप्सी। एमसीक्यू आपके लिए, एमसीक्यू में एमसीक्यू। ठीक है, वेयर इज द डाई इंजेक्टेड आइडियली। अब इसमें जब हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, डाई को इंजेक्ट करते हैं, तो आइडियल पोजिशन क्या रहती है, कहाँ हम डाई को इंजेक्ट करेंगे, सब एरियोलार में, एक्जिला में, टेल ऑफ स्पेंस में या फिर पेरी ट्यूमोरल में, कौन सी जगह पे हम डाई इंजेक्ट करेंगे। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, तो देखिए जहाँ ट्यूमर होता है उसके, सपोज यहाँ पर ट्यूमर है तो इसके चारों तरफ ही तो हम डाई को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पेरी ट्यूमरल। पेरी का मतलब सराउंडिंग, ट्यूमरल मतलब ट्यूमर के सराउंडिंग हमें क्या करना है, डाई को इंजेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक इमेज बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको सेंटिनल नोड की, सेंटिनल लिम्फ नोड कहाँ होते हैं उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। अब देखिए इस इमेज के अंदर क्या किया जा रहा है, एक प्रोब के माध्यम से क्या किया जा रहा है, ये जो सेंटिनल नोड्स है यहाँ से क्या किया जा रहा है, बायोप्सी की जा रही है। ठीक है, और हमने सपोज ये क्या है, ट्यूमर है, तो इसके चारों तरफ हमने क्या किया,
डाई इंजेक्ट की है, और ये जो अपने सेंट्रल नोड है यहाँ से क्या किया जा रहा है, बायोप्सी की जा रही है। बस आपको बताने के लिए इमेज है कि सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी में कहाँ से बायोप्सी करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, बस वो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्यूमर एंड सेंट्रल नोड्स रिमूव। ठीक है, लास्ट में जो सेंट्रल नोड्स थे वो भी रिमूव कर दिया और ट्यूमर को भी रिमूव कर दिया, और सेंट्रल नोड से भी बायोप्सी भी ले ली गई है। कंजनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट एट, कंजनाइटली हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट एट, कितने टाइम से वो प्रेजेंट होता है हमें उसके साइन सिम्टम्स पता लगते हैं अगर वो कंजनाइटल है तो, थर्ड डे पे, 4 वीक्स पे, 3 मंथ्स पे, या फिर 4 ईयर्स पे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। तो कब प्रेजेंट होता है ये कंजनाइटली, थर्ड डे, 4 वीक, 4 मंथ, या फिर 4 ईयर पे। कंजनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट्स एट थर्ड डे, 4 वीक, 3 मंथ्स, या फिर 4 ईयर। तो देखिए, कंजनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो कब प्रेजेंट होता है, ये होता है 4 वीक्स पे। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका, 4 वीक्स पे। और इसके लिए जो सर्जरी की जाती है, सर्जरी का क्या नाम होता है, रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। ओके, बाकी का टॉपिक कंप्लीट करवाया हुआ मेरा पहले। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रिंगल्स मेन्यूवर इज यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम, जो प्रिंगल्स मेन्यूवर होता है, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये किसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है, आईवीसी, सिस्टिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, या फिर हिपेटिक वेन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रिंगल्स मेन्यूवर है क्या, तब इसके आंसर पे जाओगे आप। पता नहीं होगा तो फिर तुक्के लगाने से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में भी मत लगा के आना। तो देखिए, जो प्रिंगल्स मेन्यूवर होता है उस वो किसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, तो हिपेटिक आर्टरी की। ठीक है, जब हिपेटिक आर्टरी से कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है तो वहां पर अपन एक, जैसे ओबीजी के अंदर आप मेन्यूवर्स पढ़ते हो उसी प्रकार से मेन्यूवर एक और होता है, वो होता है प्रिंगल्स मेन्यूवर। ठीक है, ओबीजी का टॉपिक नहीं है ये, बट मेन्यूवर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी इमेज भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो किसके लिए काम में लिया जाता है, हिपेटिक आर्टरी से ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में इसको काम में लिया जाता है। इसको हम ये भी कर सकते हैं फॉर कंट्रोल, या फिर क्लैंपिंग द हिपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट ब्लीडिंग। ठीक है, हिपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या कर दो, ये क्या कर रहा है, क्लैंप कर रहा है, या फिर उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर रहा है, क्या बोलते हैं, प्रिंगल्स मेन्यूवर। ये जो मेन्यूवर है कौन सा है, प्रिंगल्स मेन्यूवर। यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो नीचे से यहाँ से फिंगर को इंसर्ट करके, ठीक है, कौन सी हिपेटिक आर्टरी वगैरह को उसके ऊपर क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है ताकि वहां से ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ये क्या है अपना आर्टरी वगैरह, या फिर अपन कह सकते हैं इंटेस्ट, जो क्लैंप करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यहाँ से अंदर से यहाँ से डाल के ये क्या कर लेगा, क्लैंप कर लेगा, और इस मैन्यूवर के माध्यम से ये दोनों उठाए जाते हैं क्या, आर्टरीज को। ये इसका कलरफुल इमेज देख लीजिए, बस कुछ नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इज असेस्ड बाय, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है वो कितना सीवियर है उसकी सीवियरिटी को असेस करना है हमें। तो आप कौन से किससे आप स्कोर करोगे, सीरम एमाइलेज का लेवल देख के, स्टूल में ट्रिप्सिन का लेवल देख के, रैनसन स्कोर देख के, या फिर एआरडीएस का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, तो ये असेस कर रहा है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी बढ़ गई है। क्या रहेगा आपका आंसर यहाँ पे? देखिए, जब कभी आपसे पूछे कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है उसकी हमें सीवियरिटी को असेस करना है, तो इसे हम किससे स्कोर असेस करते हैं, रैनसन स्कोर। ठीक है, स्कोर आता है, ठीक है, क्या नाम है इसका, रैनसन स्कोर। रैनसन स्कोर के माध्यम से क्या करते हैं, इसको असेस करते हैं। ये स्कोर एक बार करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सेकेंड ये करते हैं एट 48 आवर्स, मतलब आफ्टर 48 घंटे के बाद में दूसरी बार इसको असेस किया जाता है। फिर दोनों में क्या इंटरप्रिटेशन किया जाता है स्कोर में। तो ये जो स्कोर है इसे हमने क्या नाम दिया है, रैनसन क्राइटेरिया फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। सबसे पहले कब किया इन्होंने, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फिर किया 48 आवर्स पे। सबसे पहले क्या देखा क्राइटेरिया में, एज कितनी है, मोर देन 65 है, डब्ल्यूबीसी काउंट देख लिया, ब्लड ग्लूकोज काउंट देख लिया, सीरम एएसटी एलडीएस देख लिया। फिर बाद में 48 घंटे बाद में क्या क्या ये सब चीज़ देखने को मिली आपको, इंटरप्रिटेशन किया। इफ द स्कोर इज मोर देन 3 सीवियरिटी पेनक्रियाटाइटिस, इफ द स्कोर इज लेस देन 3, और लेस देन 3 मिल रहा है स्कोर, तो इसका क्या रहेगा कि सीवियर नहीं हुआ है। बस कुछ नहीं, याद नहीं रखना, ये सब चीज़ें आपको याद रखने की नीड नहीं है, इतना डीप नहीं जाएगा। बस अगर आपसे स्कोर पूछे रैनसन क्राइटेरिया किसके लिए होता है, तो यह होता है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के, या फिर सीवियर पेंक्रेटाइटिस की सीवियरिटी को असेस करने के लिए। ठीक है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की सीवियरिटी को असेस करने के लिए कौन सा स्कोर होता है, तो रैनसन स्कोर। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ में लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए, और खूब सारे एमसीक्यूज हम सोल्व करें साथ में मिलके। खुलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।